हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं श्री मनुदेवी मंदिर। ये जगह महाराष्ट्र के जळगाव जिले में आती है। जळगाव से मनुदेवी मंदिर 35 किलोमीटर दूर है। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि जब विष्णु ब्रह्मा महेश पर एक बड़ी आपदा आई तो ये तीनों देवता और राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए सातपुड़ा के एक गहरी घाटी में एक गुप्त स्थान पर बैठ गए। वह गुप्त स्थान है श्री मनुदेवी का मंदिर। यह मंदिर सातपुड़ा पर्वत में स्थित है। बारिश का मौसम है और बहुत ही अच्छी हरियाली आप देख सकते हैं। जळगाव केले के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। मंदिर की ओर जाते समय आपको एक बहुत ही सुंदर झील दिखाई देगा। Thank you.
मंदिर के पास हम पहुंच गए हैं। अभी हम यहाँ पे पार्किंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, यहाँ से आप पूजा का सामान ले सकते हैं। और आगे बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे 85 स्टेप्स हैं मंदिर को जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। आप देख सकते हैं मंदिर के सामने एक झरना है और तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट भी है। इस झरने का पानी साल के 6 से 7 महीने सातपुड़ा के तलहटी में गिरता है। बारिश के मौसम में आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे दुकानें भी हैं। कोविड के वजह से मंदिर बंद था तो दर्शन नहीं हुए, तो हमने बाहर से ही दर्शन लिए। हमने देवी के दर्शन भी लिए और हमने वाटरफॉल भी एंजॉय किया। बहुत ही सही नेचर है यहाँ पे। आप भी ये जगह ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।